जाली लोगों को नुमाइंदों के तौर पर लाया जाता है, ना उनको अवाम का दर्द है, ना यहाँ के सरजमीन का गम है, ना यहाँ के वसाब से सरोकार है। आज देखे क्या हालत है, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली नहीं है, बदम नहीं है। तो आज फिर वही नारा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि सदारती निजाम। देखे जो ये बात कर रहा है उसको इस रियासत से, इस मुल्क से जरा भी मोहब्बत नहीं है। हम सियासी सियासी जुमातें, सियासी और जमहूरियत पसंद कुवतें इस चीज के सामने, इस बात के सामने, आईन को रोंदने वालों के सामने आईनी दीवार की तरह खड़े होंगे, क्योंकि यहां के असल सियासी वारिस इस मुल्क को बचा सकते हैं। और आज जरूरत यह है कि ओश के नाखून में तमाम उन सियासी जमातों को, सियासी स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाना होगा। मुल्क को एक अच्छी पॉलिसी देनी पड़ेगी, कौमों की शनाख्त की गारंटी देनी पड़ेगी, कौमों के वसाइल की गारंटी देनी पड़ेगी। आज तारीख गवाह है कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मीर कॉर्पस पीजन, जो ने ओ मर के इस आईन को बनाने का एक मेंबर मीर कॉर्पस पीजन जो साहब भी है, जो 1973 का आईन बनाया गया। आज क्या एहतराम है उसके पार्टी के लिए, आज क्या एहतराम है उन सियासी कारकुनों के लिए जो एक तरफ दहशतगर्दी को फेस करते हैं, दूसरी तरफ रियासत की बर्बरी को फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें ईमान है हमारी कि हम अपने अवाम से कभी दूर नहीं रहेंगे, चाहे जिस तरफ से दबाव हो, प्रेशर हो, कुछ तो खून हो, हम सरों की कुर्बानी देंगे। हम इस सियासी अवामी इंसानी खिदमत को नहीं छोड़ सकेंगे। दोस्तों,